हेलो क्लास थर्ड, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 6। दिस इज़ अ नाइस पोएम, बर्ड टॉक। आपने देखा है बर्ड्स को कभी टॉक करते हुए? हालांकि हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आती है ना, वो ट्वीट करती हैं, आपस में चहचहाती हैं, इस तरह से बात करती हैं। तो इस पोएम में यही बताया है कि देखो बर्ड्स किस तरह से बात करती होंगी आपस में, है ना। इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है एलिन फिशर, ठीक है ना। उन्होंने ये पोएम लिखी है। इस पोएम में क्या बताया है तो देखिए, वन डे अ रॉबिन एंड अ जे टॉक अबाउट पीपल। रॉबिन एक स्मॉल ब्राउन कलर की बर्ड होती है और जे जे एक ऐसी बर्ड है जो क्रो फैमिली से बिलोंग करती है। जिस तरह से क्रो को आपने देखा है ना, उन्हीं की फैमिली से एक बर्ड होती है जिसका नाम जे है। तो ये पोएम रॉबिन और जे के बारे में है जो आपस में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? अबाउट पीपल, हम लोगों के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में। दे फाइंड पीपल फनी, उनको लोग कैसे लगते हैं, हम लोग कैसे लगते हैं? फनी लगते हैं। क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं, देखिए पढ़ते हैं इस पोएम को। देखिए पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में क्या बोलती हैं बर्ड्स? थिंक, सेड द रॉबिन। रॉबिन जे से बोलती है थिंक, थिंक यानी सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए। थिंक, सेड द जे, और जे भी इसी बात को बोलती है कि थिंक। सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे, तो एक दिन रॉबिन और जे आपस में बातें कर रहे थे। कब? जब वो एक गार्डन में बैठे हुए थे और एक दूसरे से बोल रहे थे थिंक, थिंक कीजिए, कुछ सोचिए। क्या थिंक करना है उनको, क्या थिंक करने के लिए बोल रहे हैं? थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, कि आप लोगों के बारे में सोचो वो किस तरह से ग्रो करते हैं। हम लोग ग्रो करते हैं ना, पहले छोटे बच्चे होते हैं, धीरे 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 बड़े होते जाते हैं, इस तरह से। तो बर्ड्स भी इन पीपल को देखते हुए बोल रही हैं, आपस में बोल रही हैं कि थिंक करो, देखो ये लोग कैसे बड़े हो रहे हैं। दे डोंट हैव फैदर्स एट ऑल, यू नो, और आपको पता है इन लोगों के तो फैदर्स भी नहीं है। बर्ड्स आपस में कह रही हैं, बर्ड्स के तो फैदर्स होते हैं ना, पंख। हम लोगों के पंख है क्या? नहीं। तो बर्ड्स आपस में यही बात कर रही हैं, उनको लग रहा है कि देखो पीपल कैसे बड़े हो जाते हैं, छोटे से इतने बड़े हो जाते हैं, और इनके फैदर्स नहीं है, इनके पंख तो है ही नहीं। दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। अब जिस तरह के काम बर्ड्स करती हैं, बर्ड्स मन में ये सोचती हैं कि ह्यूमन बींग्स उनकी तरह काम तो करते नहीं है। क्या काम नहीं करते? दे डोंट ईट बीटल्स, वो बीटल्स को नहीं खाते। बीटल्स क्या होते हैं? ब्लैक कलर के बड़े बड़े इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं। आपको तो पता है बर्ड्स कीड़ों को खाती हैं, बीटल्स को खाती हैं। तो वो ये बोल रही हैं कि ह्यूमन बींग्स तो ऐसा नहीं करते, वो तो बीटल्स को नहीं खाते। दे डोंट ग्रो विंग्स, उनके पंख भी नहीं निकलते, पंख भी बड़े नहीं होते उनके। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, और जिस तरह से हम बर्ड्स वायर्स पर और वायर जैसी और चीज़ों पर, पेड़ों की डालियों पर बैठती हैं, ह्यूमन बींग्स तो ऐसा नहीं करते कि किसी तार पर जाके बैठ जाए या किसी पतली सी डाली पर जाकर बैठ जाए, है ना। उनका तो अलग घर होता है, हम लोगों का तो घर होता है ना। बर्ड्स ऐसा सोच रही हैं कि पीपल लोग ऐसा नहीं करते। थिंक, सेड द रॉबिन, थिंक, सेड द जे, आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे। तो रॉबिन और जे आपस में क्या बात कर रहे हैं? यही कह रहे हैं कि थिंक, इस बात को सोचो, क्या ये लोग पीपल, जो भी पीपल हैं, लोग हैं, क्या ये फनी नहीं है इस तरह से, जिस तरह से वो अपनी लाइफ बिता रहे हैं? ना तो वो बीटल्स खाते हैं, ना उनके पंख होते हैं, ना वो वायर्स जैसी किसी चीज़ पर बैठते हैं, तो ये कितने फनी दिखते हैं। तो बर्ड्स की ये टॉकिंग है, और हमें हमें भी ऐसा लगता है, हम बर्ड्स के बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि देखो बर्ड्स कितने फनी होते हैं, हम लोगों के तो पंख नहीं लेकिन उन लोगों के पंख हैं, जाए चाहे जहाँ उड़ जाते हैं, बीटल्स को खा जाते हैं, किसी भी पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं, आपस में ची 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 करके टॉकिंग करते हैं, बातें करते हैं। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई है, और आपका छोटा सा होमवर्क एक ये भी है कि इस पोएम को अच्छे से आप याद करिए और इसको सिंग करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए अपनी, एंड देन सेंड इट टू मी, और मुझे भेजिए, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर वीडियो। We will meet in the next class. Till then, bye bye. Take care.